हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी, राइट? तो बच्चों, स्वागत है आप लोग का जीएसटी रिवीजन सीरीज की फोर्थ वीडियो के अंदर। आज मेरे दोस्त हम लोग रिवाइज करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सुपर फास्ट रिविजन होने वाला है। अब से पहले हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम, इनको वाइंड अप कर चुके हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस को मिस आउट कर दिया है तो मैं आई बटन पे इनका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक दे दूंगा, सो दैट आप वहां से जाके इन वीडियोस को कवर कर लें, राइट? वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना है। इस वीडियो में हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इजिली इस लाइक टारगेट को अचीव करा देंगे। आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है पहले वाले वीडियोस को, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। उतना ही प्यार इस वीडियो को भी दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिथम इस वीडियो को प्रमोट करती है और ज्यादा बच्चों को ये दिखाती है, राइट? तो सबको इन वीडियोस का एडवांटेज मिले, इसके लिए लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, राइट? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन आरसीएम का, और हम इसके अंदर पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज का, राइट? गुड्स का आरसीएम हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का आरसीएम पढ़ के जाना है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहला जो आपको रिवर्स चार्ज ऑन सर्विस दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का। स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर कोई भी पर्सन प्रोवाइड करता है, स्पॉन्सरशिप सर्विस कोई भी पर्सन अगर प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और हमारी जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करती है। इसका मतलब अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म नहीं है, इन दोनों के अलावा और कोई पर्सन है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विस प्रोवाइडर कोई भी पर्सन हो सकता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, एचओएफ, कोई भी हो सकता है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर कोई भी है, लेकिन अगर सर्विस रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है तभी आरसीएम लगेगा, अदरवाइज आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद अगली सर्विस आती है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आपको जीटीए प्रोवाइड कर रहा है, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और जीटीए ने आईटीसी लेने से मना कर दिया है, जीटीए ने आईटीसी से लेने से मना कर दिया है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर जीटीए आईटीसी क्लेम कर रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और जीटीए अगर आईटीसी नहीं ले रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो रेट लगता है वो 5% एप्लीकेबल होता है, इसको याद रखिएगा। तो याद रखना है कि जीटीए अगर आईटीसी नहीं ले रहा है तो आरसीएम लगेगा, जीटीए अगर आईटीसी ले रहा है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा अगर सर्विस रिसिपिएंट एक फैक्ट्री है, सर्विस रिसिपिएंट एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई है, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। अगर ये 7 रिसिपिएंट है, फैक्ट्री है, सोसाइटी है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई है, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अगर ये सात रिसिपिएंट है तो जीटीए की सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा अगर जीटीए ने आईटीसी लेने से मना कर दिया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेट एप्लीकेबल होगा 5%, यानी कि ये रिसिपिएंट्स 5% से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। लेकिन अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड करी है किसी भी डिपार्टमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की, तो उस केस में आपका जीटीए का सर्विस एग्जेम्प्ट होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर जीटीए सर्विस दे रहा है किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी का है, तो जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। अगर जीटीए किसी लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दे रहा है तो जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। अगर जीटीए किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को सर्विसेज दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी के अंदर केवल और केवल टैक्स डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 51, और वो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता है, तो उस केस में गवर्नमेंट एजेंसी को जो सर्विसेज दी गई है उन सर्विसेज के ऊपर भी आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर जीटीए ऑप्ट करता है आईटीसी अवेल करने का तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और फॉरवर्ड चार्ज जो एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 12%।
अब यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करेगा? सर अगर कंसाइनर और कंसाइनी दोनों में से जिसको भी फ्रेट पे करना है, जिसको भी फ्रेट पे करना है उसी बंदे को सरकार को जीएसटी भी पे करनी है, तो कंसाइनर और कंसाइनी में जो भी फ्रेट पे करेगा वही पर्सन गवर्नमेंट को आरसीएम में आपका टैक्स का पेमेंट करेगा। अगर जीटीए सर्विस देता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो जीटीए की सर्विसेज मेरे दोस्त एग्जेम्प्ट रहती है। तो जीटीए अगर सर्विस दे रहा है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं और बात करते हैं लीगल सर्विसेज की। अगर लीगल सर्विस देने वाला पर्सन एक इंडिविजुअल एडवोकेट है या फिर एक फर्म ऑफ एडवोकेट, लीगल सर्विसेज देने वाला व्यक्ति कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है या फिर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट है और रिसिपिएंट जो है वो एक बिजनेस एंटिटी है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और उसका टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट को, थ्रेशोल्ड लिमिट से हमारा मतलब है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। अगर आपके बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है और बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं कर रहा होता है तो लीगल सर्विसेज ऑफ एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट एग्जेम्प्ट होती है। अगर सर्विस रिसिपिएंट ऑफ लीगल सर्विसेज आपका अदर देन बिजनेस एंटिटी है देन ऑल्सो लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि एक ही सिनेरियो में लीगल सर्विसेज टैक्सेबल होती है जब बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड करता है और टैक्सेबिलिटी केवल और केवल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आती है। सिमिलरली अगर लीगल सर्विसेज आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से मिल रही है, अगर लीगल सर्विसेज आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से मिल रही है और आप एक बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर चुका है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस एंटिटी नहीं है या फिर आप बिजनेस एंटिटी तो है लेकिन आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में आपकी सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट रहती है। अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी ऐसी बिजनेस एंटिटी को जो टैक्सेबल टेरिटरी में है और उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है और बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लोकल अथॉरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसी भी बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रहा है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है और बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। However, no reverse charge is applicable in the case of following services. Government की कुछ services के ऊपर कभी भी reverse charge mechanism नहीं लगता, यानी कि अब जो हम services पढ़ने जा रहे हैं ये forward charge में cover होती हैं। Services by the Department of Post, अगर Department of Post की service है by way of speed post, express parcel post, life insurance and agency services provided to a person other than government. अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, स्पीड पोस्ट की सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस, एजेंसी की सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे बिजनेस एंटिटी हो चाहे नॉन बिजनेस एंटिटी हो, कभी भी रिवर्स चार्ज नहीं लगता, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगता है। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पर्सोनेट्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, तो अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, चाहे तो पोर्ट और एयरपोर्ट के अंदर चाहे तो पोर्ट और एयरपोर्ट के बाहर, अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड चाहे इनसाइड द पोर्ट चाहे आउटसाइड द पोर्ट, चाहे इनसाइड द एयरपोर्ट चाहे आउटसाइड द एयरपोर्ट, दोनों ही केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अगर गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गुड्स की या फिर पैसेंजर्स की, अनलेस अदरवाइज कवर्ड अंडर द एग्जेम्पशन, यहां पर आपका फॉरवर्ड चार्ज लगता है, यहां पे कोई भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट रेंटिंग कर रही है इमोवेबल प्रॉपर्टी की अनलेस अदरवाइज कवर्ड, इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता है। अगली एंट्री आती है रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अगर रेंटिंग कर रहे हैं इमोवेबल प्रॉपर्टी का किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो वहां पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। यहां पर एक बात फोकस करने वाली है कि सर यहां पर बात करी गई है रजिस्टर्ड पर्सन की, यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन के टर्नओवर की बात नहीं करी गई है, मतलब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड करता है नहीं करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, मतलब होगा, राइट।
यहां पर जो आपने पॉइंट पढ़े थे लीगल सर्विसेज वाले केस में, गवर्नमेंट के केस में, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ था कि टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए थ्रेशोल्ड को, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ था कि टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए थ्रेशोल्ड को, लेकिन यहां पर कहीं पर भी टर्नओवर की बात नहीं हुई। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रेंटिंग हो रही होगी इम्मोबाइल प्रॉपर्टी की और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी रेंटिंग कर रहे होंगे, तो जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा, जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने लेट आउट करी है, उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को जनरली गवर्नमेंट कभी भी रेंटिंग नहीं करती है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस मान ले कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को गवर्नमेंट रेंटिंग कर भी रही है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा, जब गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, किस बात की, रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी की, उस केस में रिवर्स चार्ज लगा देंगे हम, टर्नओवर से मतलब नहीं रखेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बातें मेरी समझ में आई हैं। एक बार प्लीज जरा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को प्रमोट करता है, राइट? तो लाइक जरूर करना है, बिना लाइक करे कोई भी काम नहीं बनेगा। अगला पॉइंट आता है सर्विसेज ऑफ अ डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है किसी भी कंपनी, किसी भी बॉडी, कॉर्पोरेट को, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी या फिर बॉडी, कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रहा है, उन सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जब डायरेक्टर की सर्विसेज होंगी, तो वहां पर आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई तो नहीं है। अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात नहीं आएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप में जो भी रिम्यूनरेशन होती है, उस रिम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। और अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में नहीं है, तो उस केस में कंपनी से जो रिम्यूनरेशन मिलता है डायरेक्टर को, वो उसकी प्रोफेशनल फीस होती है, और उस प्रोफेशनल फीस के ऊपर जीएसटी लगती है। सर हमें कैसे पता लगेगा जो रिम्यूनरेशन आ रही है वो सैलरी वाली आ रही है कि वो रिम्यूनरेशन जो है वो प्रोफेशनल फीस वाली आ रही है? तो बेटा इसमें आपको टीडीएस चेक करना पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 192, अगर आपके रिम्यूनरेशन पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 192, तो वो टीडीएस अंडर द हेड सैलरी पे डिडक्ट होता है। उस केस में आपके इस रिम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके रिम्यूनरेशन पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 194J, आपके रिम्यूनरेशन पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 194J, तो वो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस है, उस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो बात समझने वाली है कि सर डायरेक्टर को सैलरी के ऊपर जो पेमेंट मिलेगी वो उसकी प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल फीस के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, सैलरी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान किस पे देना है, कौन से सेक्शन में टीडीएस कट रहा है। अगर सेक्शन 192 में टीडीएस कट रहा है, तो उस केस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती, रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं आएगी। 194J पे टीडीएस कट रहा है, तो जीएसटी लगती है, और जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगती है, और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करके चलेंगे। अगला पॉइंट आता है इंश्योरेंस एजेंट। अगर इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इंश्योरेंस का बिजनेस चला रहा है, तो ऐसे केस में जो भी कमीशन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को देती है, उस कमीशन पे जीएसटी लगती है, और जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगती है, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उस पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करती है। सिमिलरली अगर कोई रिकवरी एजेंट की सर्विस किसी भी बैंकिंग कंपनी को, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को, किसी भी एनबीएफसी को, तो ऐसे केस में उस रिकवरी एजेंट को कमीशन मिलता है, उस कमीशन पे जीएसटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग कंपनी का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, और एनबीएफसी का है। इसके बाद अगला आता है ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और द एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। अगर आप किसी को कॉपीराइट यूज करने की परमिशन दे रहे हैं, और वो कॉपीराइट जो ट्रांसफर कर रहा है वो एक म्यूजिक कंपोजर है, वो एक फोटोग्राफर है, वो एक आर्टिस्ट है, या फिर कोई सिमिलर नेचर का पर्सन है ऑथर के अलावा, क्योंकि ऑथर के लिए अलग से एंट्री अवेलेबल है, एक्सेप्ट ऑथर, तो जिसने कॉपीराइट ट्रांसफर किया है वो ऑथर के अलावा कोई और पर्सन है, तो ऐसे केस में जिस व्यक्ति को वो कॉपीराइट मिला है, जो उस कॉपीराइट को यूज करके रॉयल्टी पे कर रहा है कॉपीराइट ओनर को, वो व्यक्ति रिवर्स चार्ज के अंदर क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई म्यूजिक कंपोज किया और मैंने वो म्यूजिक कंपोज करके उस म्यूजिक को यूज करने के राइट आपको दे दिए, आप मुझे उसके बदले में रॉयल्टी देते हैं, इस रॉयल्टी के ऊपर जीएसटी आप ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पे करेंगे। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने आपको कॉपीराइट यूज करने की परमिशन दी है, आप सर्विस रिसिपिएंट है, आप मुझे उसके लिए पैसा दे रहे हैं, इस पैसे के ऊपर जीएसटी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज,
ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और द एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटेड टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, रिलेटेड टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। तो अगर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क को यूज करने का राइट मैंने आपको दिया, तो बेसिकली मैं एक ऑथर हूं, मैंने अपनी कोई बुक लिखी और उस बुक को पब्लिश करने का राइट मैंने आपको दे दिया, उस बुक को पब्लिश करने का राइट मैंने आपको दे दिया और आप उस राइट के बदले में मेरे को रॉयल्टी पे करेंगे, उस रॉयल्टी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पब्लिशर ही क्या करेगा, पब्लिशर ही क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा, पब्लिशर ही क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा चेंज है, यहां पर एक छोटा सा चेंज है, आपका ऑथर अगर चाहे, आपका ऑथर अगर चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे कर सकता है। यहां पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, यहां पर ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। अगर म्यूजिक कंपोजर ने किसी प्रोड्यूसर को म्यूजिक यूज करने का राइट दिया है तो वो म्यूजिक कंपनी ही क्या करेगी, रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करेगी। लेकिन अगर ऑथर ने राइट दिया है पब्लिशर को, तो जनरली पब्लिशर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी देना होता है। लेकिन अगर ऑथर चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है। ऐसे केस में, ऐसे केस में ऑथर के पास रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ऑथर के पास रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स दे पाएगा। प्लस अगर एक बार वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देने का ऑप्शन ऑप्ट करता है तो उसे एक साल के लिए उस ऑप्शन को छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने आज ऑप्शन एक्सेप्ट किया कि मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेस दूंगा, तो आज से एक साल तक मुझे इस ऑप्शन को होल्ड करके रहना है। मतलब मैं जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा कॉपीराइट ट्रांसफर करने की, उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी मैं ही पे करूंगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। मतलब एज अ ऑथर अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लूंगा, तो एक साल तक मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। सेकेंडली, मैं जो इनवॉइसेस आपको इशू करूंगा उन इनवॉइसेस पे डिक्लेरेशन दे दूंगा कि मैं भाई साहब क्या कर रहा हूँ, मैं भाई साहब क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूँ, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। अगर इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इंडिया पे, बेसिकली गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, और वो इंपोर्ट अगर वेसल पे हो रहा है, मतलब सी रूट से अगर आपका इंपोर्ट हो रहा है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हुई है सी रूट से, इस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जीएसटी लगती है, और इस जीएसटी को कौन पे करता है, इंपोर्टर पे करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो लेट्स से यूएसए से गुड्स वेसल में इंडिया आ रहे हैं, यूएसए से गुड्स वेसल में इंडिया आ रहे हैं, इस वेसल से जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है गुड्स का, इसके ऊपर इंडिया में जीएसटी लगती है, और जीएसटी कौन पे करता है, इंपोर्टर पे करता है। अगला पॉइंट आता है, सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अगर आप एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, अगर आप एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है और आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एलएलपी नहीं है, आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, आप एलएलपी नहीं है, तो अगर आपने इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के रूप में अगर आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करने की सर्विसेज दी है किसी भी बैंक को, किसी भी एनबीएफसी को, देन उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, आपको कमीशन मिलेगी उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करके, उस कमीशन के ऊपर आप जीएसटी नहीं दोगे, उस कमीशन के ऊपर बैंक्स और एनबीएफसीज क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या करते हैं, बैंकिंग कंपनीज के इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या करते हैं, बैंकिंग कंपनीज के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करने पे उनको कमीशन मिलती है, इस कमीशन पे जीएसटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बैंक्स और एनबीएफसीज का है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू आरबीआई। अगर हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विसेज दी है और हम कौन है, हम है मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, तो अगर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी ने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी जो है वो पे करके चलती है। जरा कमेंट बॉक्स पे जरा मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये ओवरसीइंग कमेटी, ये मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस देने वाला व्यक्ति कोई भी है, सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाला व्यक्ति कोई भी है, बस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज देगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा किसी और व्यक्ति ने सिक्योरिटी सर्विसेज दी है तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन जिसको सर्विस दी गई है, रजिस्टर्ड पर्सन जिसको ये सर्विस दी गई है
वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी पे करेगा। कोई भी पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, सिक्योरिटी सर्विसेज देता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी पे करता है। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता, तो उस केस में हमेशा 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 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अब यहां पर अगर आप डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर दी कंपोजिशन स्कीम, इनको आपने सिक्योरिटी सर्विसेज दी है, तो इन केसेस में आपकी सिक्योरिटी सर्विस एग्जेम्प्ट रहती है। इनको लर्न करना पड़ेगा आपको। अगर आपने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी है किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को जो कि सीजी एसडी यूटी का है, आपने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी है लोकल अथॉरिटी को, आपने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी है ऐसे पर्सन को जिसका काम केवल जीएसटी के अंदर टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 51, या फिर आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को सिक्योरिटी सर्विसेज दी है जिसने सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, तो ऐसे केस में सिक्योरिटी सर्विसेज जो होती है बेटा एग्जेम्प्ट रहती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ अ बिजनेस करेस्पोंडेंट टू अ बिजनेस करेस्पोंडेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट टू बिजनेस करेस्पोंडेंट। अगर एक बिजनेस करेस्पोंडेंट के एजेंट ने बिजनेस करेस्पोंडेंट को सर्विसेज दी हैं, तो उसकी सर्विसेज क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं, सॉरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एक बैंक है, मैं उस बैंक का बिजनेस करेस्पोंडेंट हूं, मिस्टर जे इस बैंक के बिजनेस करेस्पोंडेंट है, राइट। मैं बिजनेस करेस्पोंडेंट हूँ यूपी रीजन का। बैंक कौन सा है, बैंक है आईसीआईसीआई। तो आईसीआईसीआई बैंक का यूपी रीजन का मैं बिजनेस करेस्पोंडेंट हूँ, मतलब मैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए यूपी रीजन से बिजनेस लेकर आता हूँ। यूपी रीजन बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा काम सब कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया मिस्टर एस को। मिस्टर एस क्या करते हैं, मिस्टर एस मेरे एजेंट है, ये मेरे बिहाफ पे क्या करते हैं, यूपी रीजन से बिजनेस लेकर आते हैं। तो यहां पर ये वाली जो सर्विस की बात हो रही है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रिसिपिएंट है। मिस्टर जे क्या करने वाले हैं, मिस्टर एस को कमीशन देने वाले हैं। इस कमीशन पे आरसीएम लगेगा और इस कमीशन पे टैक्सेस कौन पे करेंगे, मिस्टर जे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। सिमिलरली अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करी है, मिस्टर जे कौन है, मिस्टर जे है एक बिजनेस फैसिलिटेटर आईसीआईसीआई बैंक को, मैं इसको सर्विस दे रहा हूं, ये सर्विस रिसिपिएंट है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, और आईसीआईसीआई बैंक मेरे को क्या दे रहा होगा, सर आईसीआईसीआई बैंक आपको कमीशन दे रहा होगा, इस कमीशन के ऊपर आरसीएम लगेगा, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक इस कमीशन के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करके चलेगी। इसके बाद अगला आता है, सर्विसेस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइंड टू कैरी पैसेंजर where the cost of fuel is included in consideration charged from the service recipient. Services by way of renting of motor vehicle designed to carry passengers. जरा ध्यान से बात समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, renting हो रही है motor vehicle की, और ये motor vehicle क्या करती है, सर ये motor vehicle carry करती है passenger को, और जो cost of fuel है वो include कर रखा है हमने higher charge के अंदर। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, सर्विस रिसिपिएंट कौन है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में,
रिसिपियंट कौन है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है। सर्विस रिसिपियंट कौन है, सर्विस रिसिपियंट है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट इन टैक्सेबल टेरिटरी, इन टैक्सेबल टेरिटरी। और सर्विस प्रोवाइडर रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ले रहा है, सर्विस प्रोवाइडर रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ले रहा है अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है, ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड, तो इस केस में क्या लग जाएगा, इस केस में आरसीएम लग जाएगा और सर्विस रिसिपियंट जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या करेगी, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी पे करके चलेगी। बड़े ध्यान से समझने वाली बातें हैं, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये वाली एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, बड़े ध्यान से समझना है। रेंटिंग किस चीज की हो रही है, रेंटिंग हो रही है मोटर व्हीकल की। ये मोटर व्हीकल क्या कर सकती है, पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है। सर जो रेंटिंग हो रही है, रेंटिंग जो हो रही है, जो हायर चार्ज लिया जा रहा है, उस हायर चार्ज के अंदर फ्यूल का पैसा क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। सर्विस देने वाला व्यक्ति कौन है, कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट रेंटिंग कर रहा है मोटर व्हीकल की तो उस केस में हमेशा क्या लगेगा, उस केस में एफसीएम लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर्विस रिसिपियंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस रिसिपियंट अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में हमेशा क्या लगेगा, एफसीएम, उस केस में हमेशा क्या लगेगा, FCM। और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ले रहा है। रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मतलब क्या है सर, रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी से मतलब है वो आईटीसी ले रहा है उसी इनपुट सर्विस का इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। उसका व्हीकल का काम है, व्हीकल किराए पे देता है, तो अगर उसने व्हीकल इनपुट पे लिया है और व्हीकल आगे प्रोवाइड कर रहा है तो इस व्हीकल के इनपुट का उसको क्रेडिट मिल रहा है, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का अगर वो आईटीसी ले रहा है तो ही आपका आरसीएम लगेगा, अदरवाइज आरसीएम नहीं लगेगा। ये सारी कंडीशंस मेरे बच्चे आपको पूरी करके चलनी है, सारी कंडीशंस आपको पूरी करके चलनी है। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं होगी तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे हायर चार्ज में अगर फ्यूल का पैसा इंक्लूडेड नहीं है, हायर चार्ज में फ्यूल का पैसा इंक्लूडेड नहीं है, फ्यूल आपको अलग से डलवाना पड़ेगा तो उस केस में एफसीएम लगेगा। हायर चार्ज में फ्यूल का पैसा है, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो अगेन एफसीएम लग जाएगा, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई व्यक्ति है तो आरसीएम लग जाएगा। सर्विस रिसिपियंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लगेगा, अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई है तो एफसीएम लग जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ले रहा है तो ही आरसीएम लगेगा, लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर कंप्लीट आईटीसी क्लेम कर रहा है तो फिर उस केस में आपका एफसीएम ही एप्लीकेबल होगा। अगला आता है सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम बना रखी है, इसमें एक व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी लेंड करता है और एक व्यक्ति सिक्योरिटी बोरो करता है। बोरोवर लेंडर को रेंट देता है, इस रेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज के अंदर जो बोरोवर होगा वो आपका आरसीएम में टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करके चलेगा। अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से मतलब कि इंडिया के बाहर से अगर सर्विसेज इंडिया में आ रही हैं तो जिस व्यक्ति को सर्विसेज मिल रही हैं वो व्यक्ति रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करके चलेगा। ये बात आप लोगों को पहले से बताई गई है कि जितनी भी इम्पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी इम्पोर्ट्स रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं। लेकिन अगर इंडिया के बाहर से सर्विस देने वाला व्यक्ति OIDAR की सर्विस दे रहा है, इंडिया के बाहर से सर्विस देने वाला व्यक्ति OIDAR की सर्विस दे रहा है और आपका सर्विस रिसिपियंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, आपका जो सर्विस रिसिपियंट है वो आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपका जो सर्विस रिसिपियंट है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में OIDAR ही गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। फिलहाल जो हमारे CA चलिए ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, तो ये आपका कंप्लीट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है मेरे बच्चे कंप्लीट हो गया है। लगभग हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर पूरा आरसीएम रिवाइज किया है। आराम से आप इस वीडियो को एक दो दफा देखिएगा तो पूरे के पूरे प्रोविजंस आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे, राइट। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।